सलाह एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हमेशा फ्री में मिलती है, एक पे एक फ्री नहीं, एक पे 10 फ्री। सर्दी जुकाम, पैर हाथ घुटना दिमाग, सब पे सलाह एक पे एक नहीं, एक पे 10 फ्री। धोबी वाला, ऑफिस वाला, रिक्शा वाला, ऑफिस का स्टाफ, सहकर्मी, सहयोगी, सब मानो कि डॉक्टर हो। भाई कुछ लेते क्यों नहीं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा, सब ठीक हो जाएगा। सलाह सलाह सलाह, बात तो हंसी की है दोस्तों, लेकिन साहित्य टाइम्स सही चिकित्सकों द्वारा दिखाएगा सही सलाह। देखते रहिए आपके अपने चैनल साहित्य टाइम्स पर स्वास्थ्य सलाह एवं योग से संयोग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं हूँ सृष्टि सिंह और आप सभी देख रहे स्वास्थ्य सलाह, जहाँ हम आपको प्रतिदिन अलग अलग प्रकारों के सलाह नुस्खे लेकर आते रहते हैं आपके स्वास्थ्य जुड़े में, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का यही मानना है कि आप सभी जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और निरोग रहे। क्योंकि कहा ही जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ हमारे सही नहीं रहेगा तो हमें कोई भी काम करने में मन नहीं लगा रहेगा। अब चाहे खाना बनाना हो, खाना खाना हो, या कहीं जाना हो, या कोई काम करना हो, अगर हमारा स्वास्थ्य हमारे साथ नहीं देगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब चाहे पैसा कमाना हो या कोई काम करना हो, तो हम बस यही चाहते हैं कि आप सभी निरोग रहे, स्वस्थ रहे और ठीक रहे। तो आज जो हम सलाह या नुस्खा लेकर आए हैं वो है कोलेस्ट्रॉल लोगों के लिए। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा बीमारी है जो कि अंदरूनी है, बाहर से देखा नहीं जा सकता, और ये भीतर ही भीतर आदमी के ऊपर खा जाता है, पूरा चूस जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी कोलेस्ट्रॉल मुक्त रहे। तो आज का देखते हैं ये एपिसोड। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को सामान्य स्तर पर लाएं और हार्ट ब्लॉकेज से छुटकारा पाएं। दिन में बस एक बार लें। नमस्कार। जीवन शैली बदलने के साथ साथ शरीर को दोस्तों कई तरह की नई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और कोलेस्ट्रॉल उनमें से एक है। और ये इतनी गंभीर है कि इसका सीधा संबंध हमारे हृदय से जुड़ा होता है, और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर यह हमारे आर्टरीज और हार्ट ब्लॉकेज का खतरा बढ़ा देती है। और इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सामान्य करने के लिए आज हम आपके लिए एक सटीक उपाय लेकर आए हैं। ये उपाय दोस्तों केवल 7 दिनों के अंदर ही आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को सामान्य स्तर पर लाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात जान लें कि कभी भी हम कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि 18 से 22 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को विकसित करने में मदद करता है, और उसके बाद यही कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हार्मोन्स और सेल्स के निर्माण में फायदा करता है। और शरीर में 80% तक कोलेस्ट्रॉल दोस्तों हमारा लीवर निर्मित करता है, और बाकी का 20% हम कैसा खाना खाते हैं उस पर निर्भर करता है। और शरीर में LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर यही कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नसों के ब्लॉकेज यानी कि आर्टरीज ब्लॉकेज और हमारे हृदय संबंधित यानी कि दिल की गंभीर बीमारियों के लिए खतरा बन जाता है, जिसे हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और कैसे आपको इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सामान्य स्तर पर लाना है, आइए देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा दोस्तों उन लोगों को हमेशा बना रहता है जिन्हें दिन भर या तो ऑफिस में बैठना रहता है या फिर उनकी जीवन शैली में शारीरिक श्रम बहुत कम होता है। और इसके लिए पहली चीज जो आपको दोस्तों यहाँ पर लेनी है वो है धनिया। ये जो है दोस्तों ये है धनिया के बीज। आप दोस्तों धनिया के बीज किसी भी पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं। धनिया के बीज में दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, जो कि शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल और शुगर के स्तर को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। आप दोस्तों यहाँ पर इन धनिया के बीज को लीजिए और आप इसे यहाँ पर 3 चम्मच लीजिए। आप 3 चम्मच धनिया के बीज को किसी भी एक खाली बाउल में डाल लीजिए। इसमें दोस्तों जो जो चीजें हम यहाँ पर मिलाएंगे उनकी मात्रा आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगली चीज जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है सरसों के बीज यानी कि मस्टर्ड सीड। शरीर में कोलेस्ट्रॉल दोस्तों एक वसायुक्त पदार्थ की तरह होता है, और SDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए सरसों के बीज दोस्तों बहुत फायदेमंद है। आप दोस्तों सरसों के बीज को यहाँ पर 1.5 चम्मच के बराबर लीजिए, यानी कि आपको इसे धनिया से आधी मात्रा में इसे लेना है। और फिर आप यहाँ पर लीजिए सौंफ को, और सौंफ जो है आपको यहाँ पर इस तरह से लेनी है। आप इसका 1 चम्मच सौंफ का इसमें डाल दीजिए, और इसी के साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पर हल्दी चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक दोस्तों यह पाया गया है कि शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हल्दी दोस्तों बहुत फायदेमंद है, और योनी नेचुरल चीजों में से है जो तेजी से हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है। आप दोस्तों यहाँ पर इसे 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा लीजिए, यानी कि आप 1.5 चम्मच से थोड़ा कम और 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा इसे मिलाइए, और इसे डालने के बाद आप इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको दोस्तों इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार करना है, और ग्राइंड करते वक्त आपको इसमें इस दालचीनी को भी डालना है, और इंग्लिश में हम दोस्तों इसे सिनेमन कहते हैं।
टाइप 2 डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करने के लिए दोस्तों सिनेमन बहुत फायदेमंद है। ग्राइंड करते समय आप दोस्तों देखिए इतनी सी मात्रा में ये दालचीनी का पीस भी जो है इसमें ग्राइंड कर लीजिए और इसके बाद जो पाउडर तैयार होगा वो दोस्तों हमें इस तरह से मिलेगा। ये पाउडर दोस्तों एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य स्तर पर ले आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मौसमी फल यानी कि सीजनल फल और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना है और बाहर का खाना जैसे फास्ट फूड, ऑयली फूड और चिकनाई युक्त खाने को कम से कम लेना है। और इस पाउडर को बनाते समय दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज आपको अपने नजदीकी स्टोर से नहीं मिलती तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप उसे खरीद सकते हैं। और कैसे आपको इससे अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य स्तर पर लाना है आइए देखते हैं। इस उपाय का प्रयोग करते समय दोस्तों हम दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक की जॉगिंग जरूर करें क्योंकि ये आपको बहुत फायदा देगी। और इसे लेने के लिए आप इस तैयार किए गए चूर्ण को लीजिए और आपको दोस्तों इसके साथ में लेना है एक गिलास पानी को। आप एक गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी लीजिए और इस चूर्ण का आपको दोस्तों यहाँ पर एक चम्मच लेना है और इस पानी में गर्म करना है। आप इस पानी को हल्का धीमी आंच पर गर्म करें और उस गर्म होने के बाद आप इसमें एक चम्मच ये चूर्ण डालिए और 5 से 6 मिनट तक अच्छे से बॉईल कीजिए और उसे आप छान लीजिए और छान कर पानी को ठंडा कर लीजिए। और ये जो ड्रिंक है दोस्तों आपको इस तरह से मिलेगी। आप दोस्तों ड्रिंक का सेवन सुबह नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कीजिए और आपको इसको बिल्कुल धीरे धीरे चाय की तरह पीना है। और मिठास के लिए आप चाहें तो दोस्तों इसमें हल्का सा शहद मिला सकते हैं। आप इस ड्रिंक को दोस्तों रोजाना लीजिए और 5 बार में ही दोस्तों आप देखेंगे कि आपके बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को सामान्य स्तर पर लाएगी और शरीर में HDL की मात्रा को बढ़ाएगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ आप सभी को आज का नुस्खा सलाह कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही एक से बढ़कर एक नुस्खे और सलाह लेकर आते रहेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप सभी जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे और निरोग रहे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे साहित्य टाइम। धन्यवाद। सलाह एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हमेशा फ्री में मिलती है, एक पे एक फ्री नहीं, एक पे 10 फ्री। सर्दी, जुकाम, पैर, हाथ, घुटना, दिमाग, सब पे सलाह, एक पे एक नहीं, एक पे 10 फ्री। धोबी वाला, ऑफिस वाला, रिक्शा वाला, ऑफिस का स्टाफ, सहकर्मी, सहयोगी, सब मानो की डॉक्टर हो। भाई कुछ लेते क्यों नहीं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा, सब ठीक हो जाएगा। सलाह सलाह सलाह, बात तो हंसी की है दोस्तों, लेकिन साहित्य टाइम्स सही चिकित्सकों द्वारा दिखाएगा सही सलाह। देखते रहिए आपके अपने चैनल साहित्य टाइम्स पर स्वास्थ्य सलाह एवं योग से संयोग।